चुनावी मौसम में मध्य प्रदेश और दिल्ली में हाल ही में हुई आयकर विभाग की छापेमारी की गूंज थमती नहीं दिखाई दे रही है। आयकर विभाग ने एमपी के सीएम कमलनाथ के ओएसडी और कुछ करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कैश और करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त की थी। 20 करोड़ के हवाला का भी मामला सामने आया था, जिसके तार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल के अकाउंटेंट से जुड़ते दिख रहे थे। इस कार्रवाई को कांग्रेस ने बदले की कार्रवाई करार दिया था। कई तीन साढ़े तीन साल से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक गठबंधन हुआ है। वो गठबंधन हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ, इनकम टैक्स के साथ, सीबीआई के साथ, सीबीडीटी के साथ। इसको मैं महा गठबंधन कहता हूँ। इस गठबंधन के जरिए ये अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर हमला बोलते हैं। पूरी राजनीति इनकी सिर्फ इसी गठबंधन पर निर्भर करती है। कांग्रेस जहां आयकर विभाग की छापेमारी को सियासी बदले की कार्रवाई बता रही है, वहीं बीजेपी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण नीतिक बदला वेंडेटा बताने की परंपरा रही है, लेकिन हकीकत में इससे भ्रष्टाचार को कभी जायज नहीं ठहराया जा सकता। मध्य प्रदेश और कर्नाटक में पकड़े गए सैकड़ों करोड़ रुपए दरअसल गरीबों से जुड़ी योजनाओं के लिए थे, जिन्हें हड़प लिया गया। ये सरकार में बैठे लोगों की मनःस्थिति को दिखाता है और साथ ही ये भी दिखाता है कि न्याय की बात करने वाले असल में गरीबों के साथ किस तरह अन्याय करने में जुटे हैं। जो पैसा गरीब बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को भेजा गया था, वो पैसा लूटकर कांग्रेस चुनाव में लगा रही है। जेटली ने अपनी पोस्ट में एमपी और कांग्रेस की कर्नाटक सरकार को भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कटघरे में खड़ा किया। जेटली ने लिखा, आम जनता के लिए सड़क, अस्पताल, घर, स्कूल आदि राज्यों के पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ साठ गांठ करके इनका पैसा राजनीतिक आकाओं की जेब में पहुँच जाता है। इसी तरह गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील और प्रसूति महिलाओं के लिए पौष्टिक भोजन के कार्यक्रमों में भी घपला किया जाता है। कर्नाटक और मध्य प्रदेश में छापेमारी में ऐसे ही सार्वजनिक धन की निकासी सामने आई है। अभी तो मध्य प्रदेश की सरकार अभी बनी है और इतने दिनों में उन्होंने बिल्कुल चारों तरफ से जमा करना शुरू कर दिया। उनकी आदत जाती नहीं है। दिल्ली के तुगलक रोड में बोरा भर भर के मिल रही नोटों की गड्डियां कांग्रेस की असली पहचान है। जेटली ने लिखा, कर्नाटक के संबंध में कुछ साक्ष्य सामने आए हैं। लोक निर्माण विभाग को सार्वजनिक कल्याण के काम के लिए जो धन आवंटित किया गया था, उसका इंजीनियरों ने राजनीतिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया। वहीं मध्य प्रदेश में एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म तैयार किया गया था, जहां विकास और गरीब तबके के लिए आवंटित किए गए धन का राजनीति में इस्तेमाल होता था। राज्य सरकार हो, केंद्रीय सरकार हो, मुझे 40 साल अनुभव में एक पता लगता है, जो भी सत्ता में आ जाते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतने के लिए 25 करोड़ 30 करोड़ डालते हैं ना जी, वो उठाता है 50 करोड़ उठाते हैं। जो 25 करोड़ रुपया एकदम प्रॉफिट हो गया 5 साल में, ये क्या पॉलिटिक्स है। लेकिन पिछले 5 साल में मुझे लगता है, मैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, डिफेंस मिनिस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय, सब जगह घुमा हूं, लेकिन पिछले 5 साल में कोई दलाल का रास्ता में मैं देखा नहीं है। जेटली ने कहा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकार ने आयकर विभाग की कार्रवाई का तथ्यों के आधार पर जवाब नहीं दिया। तर्क ये दिया जा रहा है कि केवल उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनके राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं हो रही। जेटली ने समता के इस अधिकार की मांग को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि क्या विरोधियों के खिलाफ सबूत मिलने तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी ने भ्रष्टाचार और काले धन का मुद्दा उठाते हुए मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए सरकार को कोयला घोटाले, 2G घोटाले और कॉमनवेल्थ जैसे कई घोटालों को लेकर कटघरे में खड़ा किया था। अब 2019 में भी वही कहानी दोहराई जा रही है। फर्क बस इतना है कि इस बार निशाने पर कांग्रेस शासित राज्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।